बहादुर, क्या बात है, वाह मास्टर। ये हमारे अनुरुद्ध भाई एकदम नई धुन कई सारा करो तारा, ये कौनो नच देखावा जवान नाच देखे गई बा। सुनु भाई, नाचे वाली बैठल बड़ी सर, एगो बड़ा खूबसूरत रहल, कहते हैं मैडम थोड़ा अपनी कमर हिलाकर नाचो, कलश क्या नाच का पैसा तुम दोगे। तब जवान कहता आइलू नाचे तो नाच के देखावे परी, हिलावे करे जा। समियाना में गरदा उड़ावे परी, हमर गांव बड़ा लंग गांव है, नाचे के परी है बबनी। अच्छा साथियों, आप लोगों के बीच में अगुआ म्यूजिक की ओर से एक नए धमाकेदार बिरहा की प्रस्तुति। मास्टर साथियों, हम बिरहा गायक राम कौल यादव एवं साथियों के ओर से और अगुआ म्यूजिक के ओर से आप सब बिरहा श्रोता बंधु लोगों को सादर प्रणाम। आप लोगों के बीच में एक नए बिरहे की प्रस्तुति है, जिस बिरहा का शीर्षक है मंडप में दुल्हन का मर्डर। कैसे कैसे लोग इस धरती पर है मित्रों, बिरहा को अंत तक सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा कि उस नीच पापी को क्या होना चाहिए। यह घटना उत्तर प्रदेश मथुरा जिला की है। बिरहा में भूमिका का भाव लगल मास्टर। प्यार का क्या तमाशा बना कर दरिंदे, सपना कि दुनिया को अपना बनाते, सहज हो गया जीने मरने की कसमें, खुशी को दुखी में बदल कर
सुरक्षित नहीं है धरा पर अब बेटी, माँ की ममता की अंचल से ममता छुड़ाते, कभी श्याम लाल जी न दुश्वार करके कैसे अंजाम दे मचाते। कैसी है यह दुनिया और कैसे है यहां के लोग। एक लाइन विराह में गजल का नमूना लगल मास्टर। लेकिन कबीर जी विरह में भाव लिखल हम मास्टर। कि है प्यार सच्चा हमारे लिए, अरे हमारे लिए, अरे जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए। विरह सुनने वाला भैया लोग, हमारे विरह का शुरुआत यही जा से भई नज बदलाई लगल मास्टर। यूपी जिला मथुरा की बात सही, असमंजस छुपी दो दिलों की मुलाकात सही। उसी जनपद में नौहा झील थाने के अंदर बसा मुबारकपुर गांव एक है सुंदर। खूबी राम रिश्ता, खूबी राम रिक्शा चला था बेसुमारी में, खूबी राम रिक्शा चला था बेसुमारी में, गजल की शादी खातिर झूठा वो तैयारी में। उनके गांव में, उनके गांव में अनीसी एक कुंवारा था, किसी से डरता नहीं नीच वो आवारा था। तनी बात के समझ लीजिए भैया, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक ऐतिहासिक जिला है जिस जिला का नाम मथुरा जिला, और मथुरा जिला के अंतर्गत नौहझील थाना, नौहझील थाने के अंतर्गत एक गांव जो ने गांव का नाम बा मुबारकपुर। वो मुबारकपुर गांव का रहे वाला गरीब आदमी
जेकर नाम बा खूबी राम, जो गरीब आदमी है भगवान एक के बेटी दिले हुआ। हालांकि कुछ दिन बितला के बाद खूबी राम का औरत भी ये दुनिया के छोड़ के चल बसल है। बाप के छत्र छाया में बेटी के परवरिश होत बहो बाबू, गरीबी में रिक्शा चला के अपने बेटी के पढ़ावत हो, उनकी बेटी को कामयाब बनाऊंगा। बेटी पढ़त बा लेकिन वही मुबारकपुर गांव का रहे वाला एक अनीस नाम का मनचला किस्म का लड़का है, जिसकी नजर किसी की बहन बेटी पर पड़ जाती है। किसी भी लड़की को परेशान करता था, वो आवारा किस्म का लड़का था। संयोग से वह बेटी काजल बीएससी की छात्रा है, पढ़कर घर आ रही थी। रास्ते में वह कमीना मिला, रास्ते में रोका है काजल को, आ रोक के वो बात कहलस, तर्ज लगल मास्टर बड़ाई रंग मिजाजी तर्ज मास्टर। अरे रे लिया से चढ़ के कौन मेहरारू कहतिया, अरे रे लिया से चढ़ के जहाजिया से उतरी पिया रंग नवार गई लेना। अरे रे लिया लेकिन भाई का हो भैया काजल से मिलले कदीन, काजल से मिलले कदीन अनीस है वनवा पापी बचनवा रे बोलल ना। अरे पापी बचनवा हो बोलल ना, रास्ते में घेर ले बाहो बाबू वो काजल बेटी के कलस गए, काजल मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, आओ मैं तुमसे शादी भी करूंगा ऐ सनम, लेकिन पढ़ी लिखी है लड़की, सोच रही है मेरे गांव का लड़का है, ये गांव का भाई या चाचा लगता होगा, आओ सोच रही है बेटी, कुछ बोल नहीं रही है। बीएससी की छात्रा काजल कुछ न बोलली, नहीं बोल रही है काजल, तभी पागल पापी को होता प्यार करीला हम बहुत दिन खोजली।
रास्ते को रोक रहा है। काजल रास्ता से हट हट कर भागना चाहती है, बाहें फैला कर रोक रहा है वनीच कलश की। काजल अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई आया तो समझो कि वह मर गया। आखिर लड़की किसी तरह से जान बचाकर अपने घर गई। शाम के वक्त में हो बाबू, ओकर बाबू जी रिक्शा लेके जब घरे इलन हो, काजल बेटी सारी बात अपने गरीब बाप से कलश की। बाबू जी हो हमर माई है ये नहीं की है यानी सवार नहीं छो बाबू, बार बार हमारा ऊपर अटैक करत हो। बाबूजी हमके ये गांव से कहीं दूसरा जगह तू रख दे बाबूजी। आखिर काजल के पिताजी कैलन हका अपने बेटी के दूसरा जगह ले जाके रखे बदे तैयारी करत हो। कहां ले गेलन, तर्ज बदल गई भैया। जैसन भाव बा वैसन है धुन बा, यही अखिला ने एगो लड़का रहल खाली फोन पर फुनियावल करे, हालांकि संजोग से प्यार में अब दरार हो गई। वो लड़की का ब्याह दूसरा जगह तय हो गई। तभी अखिला ने लड़का वो कहता, सुनो मैडम एक काम कर दूंगा मैं, क्या करब तुहरा सोहंगे खिंचावल फोटो फार दे, तुहरा सोहंगे खिंचावल फोटो फार दे, जहिया आई बारात तो गोली में गोली मार दे, जहिया आई बारात तो गोली में गोली मार। बिरहा सुनने वाला भैया लोग बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे। आज गरीब आदमी अपने बेटी के कैलन हका, काजल गईली हितैयो करी डर से, काजल गईली हितैयो करी डर से, तहिया आईली नमी अवे काजल घर से, काजल गईली हितैयो करी तहिया ननियौरे त लड़की चल गई। कहीं से ही फोन खोज लेलस, काजल के फोन पर ई फोन करता, आ फोन करके कहलस का कहलस, कहे अनिस कहावा लुकई बुए जान, प्यार करी कैसे भूलई बुए जान, बहुत फोनवा पर खिसी का गौआ नगर से, खिसी का गौआ नगर से, तहिया ननी औरे आईली काजल घर से, गौआ नगर से, तहिया ननी औरे आईली काजल घर से। ए भैया यानी सवा इतना प्यार में पागल हो गई लड़की, परेशान
बाय करा फोन से, बार बार परेशान करता कलश के, अरे काजल मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूँ, ननियौरा में कह दिन रहबू काया अपन गौआ नगरिया छोड़ देबू। बार बार परेशान करे, अब खूबी राम जी परेशान हो कि बेटी का ब्याह बदल बढ़िया बाबा। ए भैया गरीब आदमी एहर ओहर हितई नतई के लोगन से कहे लगलन, रिश्तेदार लोग व्यवस्था बनौलन है, आज बेटी का शादी नोएडा शहर में तय कैलन है। धीरे धीरे समय शादी का करीबे आवे लगल, रिश्ता तय भइल है, ब्याह कपारे पर जब आवे लगल तो यहाँ एक लाइन तर्ज बा। यहाँ वह तर्ज बा, हमारे अगुआ म्यूजिक चैनल का मलिकार कमल खाइन को हतारी आई हाई पातर त्रिया हो। ए सैया जी हई पातर मेहरारू पा गल बन तो बड़ा मजा ले तनी, उ कह तारी आई हाई पातर त्रिया होली मजेदार हो, उनका में बड़ा रोस मिलेला। पारे पया गेल हो बाबू, गरीब आदमी गेलन अपना ससुरारी, दुबी राम जाके कैलन का दुबी राम आके हो, दुबी राम आके काजल के बोलौले हो कि सदिया रचौले बाबूजी। अपना बेटी के लिया के अपना गावे मुबारकपुर में आव तड़न, शादी के करा से तय भइल बा, शादी मुन्ना लाल के साथ आई नोएडा से बारा। शादी मुन्नी लाल के साथ आई नोएडा से बारा, अनिश घाती अब ता हो, सदिया रचौले बाबूजी, सदिया रचौले बाबूजी। ए भैया बेटी का बरात, जितना भैया लोग बिरहा सुनो तारा लोग, घर परिवार का सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ी इज्जत बहन बेटी हुआ करती है। आज गरीब आदमी दुबी राम के बेटी को बारात आवे के दिन बहो भैया, धीरे धीरे शाम का समय भी हो गई, द्वार पर बारात भी आ गई। अब बारात जब आई लियो तो भइल हका बाबू बिरहा में टेरी के भाव लगल, हरे पतंगा ए बाबू पतंगा, पर परवाना जल गया आज मंडप अंदर उल्टा बह गई गंगा, यार हो गंगा यार हो गंगा। आज मंडप अंदर उल्टा बह गई गंगा, पतंगा पर परवाना जल गया। धीरे धीरे बाबू समय आ गेल द्वार पूजा का, आ द्वार पूजा के जब समय आई है तो बिरहा में विदेशिया का भाव लगल बाबू,
तब भैले द्वारा पूजा काजल जयमाला पर बैठ गईली अनिश्धा मकावे लागल दूल्हा के तेवनी छनावा द्वार पूजा के बाद आज फैशन चल गई बा जयमाल सिस्टम जयमाला पर बैठी है लड़की दूल्हा भी बैठा है जोन अनीस हाँ। दारू के नशा में है दारू भी पेले हाँ। वही द्वार पर हो बाबू घूमत बा नशे में बा तब सगरी बरातिया अरे एक जूट हो गईले बेटी हसे अनीस धीरे से दुल्हावा के लगे गई कनवा में कहते सार बियाह करब तो ठोक देवे जे बियाह करिए मत दुल्हा मुन्ना लाल अपने बाप शिव तुलस बाबू जी यहां व्यवस्था कुछ गड़बड़ लगत है दुल्हा का बाबू जाके गरीब आदमी दुबी राम से कहलक एगो लड़का बड़ा मनचला किस्म के जब घूमत हो हमरे लड़का के धमकी देत मारे बदे देखौला न दुल्हा का बाबू की हौहे लड़का हो आखिरे बाबू भइल का काजल खूबी राम के ए बाबू दिलवा धड़ के लागल घरवा में काजल जाके करली रुदनो चले नहीं चारा कौनु अरे इज्जत के बुझे नहीं कट्टा ले के घूमे लागल ए बाबू घरवाया नलावा केहू तरे जयमाल सिस्टम के व्यवस्था तो पूरा भइल लेकिन आज काजल घर में जाके जार बजार हो थी हमारे सैया के धमकी दिला सा ऐसा न हो सके उनके मार दे आज गरीब आदमी दुबी राम जी प्रधान जी के बोलन हो गांव का लोग भी रहलन बरतिया भी रहलन सब समझावल अनिसवा के अनिस ऐसा मत करो किसी की भी इज्जत हुआ करती है गांव की बेटी है आज दूल्हे को कुछ हो जाएगा तो पूरा गांव जेल जाएगा ऐसा मत करो सब समझा के लेके अनिसवा के लोग गइलन हो आज फिर परिवार के लोग खुशी में जब भइलन हो तो भइल का बाबू एक लाइन तर्ज बा उहे तर्जमा अनिरुद्ध भाई ये हमारा अमर भौजी अमर भाई के समझौले रहली कि राजा हो उत्तर जाइ हो दक्षिण जाइ हो पश्चिम जाइ हो लेकिन ए राजा पूर्व मत जाइ हो लेकिन मनल नाही का मेहरा रुक हले रहल अरे डूबी मारा बुए राजा जी
मसाई बंगली निया हो, लेकिन भइल का हो भैया खुशी में चलिए भैया, खुशी में चलिए भैया, खूबी रमैया नवा में, खूबी राम जो बाबू सब परिवार खुश बा, घरतिया बरतिया सब खुश बा, जाय नशा में रहल हा, जाके सुत गई, जाय दो के सुते अब खुशी से बियाह बेटी का हो जाई। आजे बाबू भइल का सोचती या बेटी दुल्हिन बनल बिया काजल, अपना दिल में सपना सजौले है, का सजौले बिया नई जिंदगी शुरू होई पियावा के घरावा हो, मन हमर भरी जाई परी जब से नूरावा हो, भैया आज बरतिया लोग जे मेन मेन मलिकार बाबू दूल्हे राजा पंडित जी घरतिया के लोग जे मलिकार बा सब वो गरीब आदमी के अंगना में बैठल बा, धीरे धीरे सपना सजोई वह काजल मड़वे में बैठी है। तब हिल का बाबू यहां एक लाइन तर्ज बा, अरे पात्र ही राम जी के पात्र कर ही है आए राम, लाखों सपना सजा करके काजल मलवे में बैठी है बाबू, धीरे 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 सिंदूरदान का समय भी सामने आने लगा। लेकिन हुआ क्या, मंडप में बैठी काजल, मंडप में बैठी काजल सोचली कुमारिया Yeah.
अनीस आइल तबले अनीस आइल फान के वह कमीना अनीस घर तो अपने चला गया, गांव के लोग जाने तड़ा कि जाके सूत गई बा, लेकिन वो घरे जाके हरामी हो भैया और दारू पी लेल, दारू पी लिया, आ गया गलियारे में उस गरीब दुब्बी राम गरीब के घर के बगल में माटी की वह दीवार है छर दिवाली को फान करके। जो ही पंडित जी बोले कि दुल्हा दुल्हन की मांग को सजाए, छरदवाली फान करके अंगने में आया हरामी कैलस का, तड़क तड़क गोलिया चला सिंदूर को उठा करके और काजल की मांग को भरना चाहता है, उसी समय ए बाबू यह नीच पापी अनीस गोली चला दिया और गोली झाकर के काजल को लगी है, खून की धार बहने लगी मड़वे में, अफरा तफरी में लोग हो गए, मौका का तलाश करते हुए भाग निकला वहां से अनीस। भाग तो गई हो बाबू, लेकिन सजल सजावल बगीचा, गरीब आदमी का परिवार, गरीब आदमी की वह बेटी मड़वे में गिर करके छटपटा रही है। अवाक है मुन्ना लाल दुल्हा, अवाक है दुल्हा के बाबू, अवाक है सारे बराती लोग और घराती लोग। हमरे बिरहा का आखिरी तर्जमा मास्टर, ये तर्ज के भजन में गवैया गावेलन कोनो भक्त मतारी से कहत बा, अरे हमनी के छोड़ी के नगरियानु हो कहवा जाइबू माई। बिरहा सुनने वाला भाई लोग बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे, आज मड़वे में काजल घिर करके छटपटा रही है, गिर के छटपटात
अरे गिरी के छठी पटाट बारी पिटिया हो सब ही भैले खाना गईल बिगड़ल हलतियानु हो लागे बची नहीं जान बिगड़ल हलतियानु हो लागे बची नहीं जान खाना गईल बिगड़ल हलतियानु हो गांव के लोग थाने पर फोन कैलन ह दरोगा जी अपने दल बल के साथ अलन ह बेटी के लेके थाने पर गैलन ह आखिर भइल का बाबू थाने पर बेटी गई रिपोर्ट लिखाया गया उस अनीस के नाम से वहां से दरोगा जी बेटी को भेजते हैं कहां काजल के लेके सब ही गैले हॉस्पिटल मृत घोषित कैले दहल गैल सब कर दिलवा मृत घोषित कैले दहल गैल सब रोए सब ही बैठी पागल मतियालू अरे रोवे सब ही बैठी पागल मतियालू हो पपिया ले ली हलस जान रोवे सब ही बैठी पपिया ले ली हलस जान रोवे सब ही बैठी पागल मतियालू पपिया ले ली हलस जान ए भैया आखिर वह बेटी काजल को हॉस्पिटल लोग लेकर गए वहां डॉक्टर उस बेटी को मृत घोषित कर दिया। आज हो बाबू गांव में जब खबर आई कि दुबी राम का बिटिया मर गई आज गौवा का लोग बतियावे हो बाबू अपना अपना दुआरी पर बटोरा के लोग का बतियावे बिरहा में अल्लाह का भाव लग गई हाय राम गम में डूबल पूरा गौवा नगरिया भैया बल्ले अनिस पापी मार दिया लस गोलिया बाबू लागल बात सब क्या करे जो इन्बान तबले नौहा झील थाना जाल फैल पोस्टमार्टम भइल लाश गौवा में आइले बाबू बिटिया के मुंह बाबू
आजे भैया वो मुबारकपुर गौवा के लोगवा इतना गुस्सा में हो गईलन। दूसरा के तब बात छोड़ वो अनिसवा के परिवार के लोग इतना गुस्सा में हो गईलन कि मिल जाता हरामी तो जान से मारा एक रोके। आखिरकार बाबू गरीब आदमी अपने बेटी काजल के ले गिलन है गांव वालों के साथ में बेटी के दाह संस्कार किलन बिटिया के मुंह से अग्निदान दे ले। आज भैल का कवि के लिखे परल बिरहा के खड़ी के भाव में बाबू कवि का भाव हो प्यार करे वाला लैकन से चेतावनी बा प्यार प्यार करो किसी से प्यार से प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता है। एकरा के मिलल का अनिसवा के का मिलल भाव हो एक तरफा प्यार में अनीस गिरफ्तार भइले आ काजल मिलली नहीं जिंदगी से बेकार भइले परल मारी मारी परल पुलिस का बिरहा सुने वाला भैया जब कलेरे पुलिस का मार खइले होई वो खुदे जानत होई कि पुलिस की मार से भूत बक देला मार परल पुलिस का वही पैटे में कुल कर्म हो गए निशवा का भैल का बाबू। अरे जेलिया में बंद बारे पापी नीर दैया जीवन करवा सुहा उस अनीस को और मैं भगवान से निवेदन करता हूं हे प्रभु उस गरीब आदमी दुबीराम को धैर्य का सब्र दे मालिक क्योंकि उस गरीब की मात्र एक बेटी थी और वह बेटी भी बुढ़ोती में उस बाप को छोड़ दो। इसीलिए कभी जी इस बिरहा का शीर्षक रखे मंडप में दुल्हन का मर्डर उर्फ मथुरा हत्याकांड। आखिरी भाव जय जखार गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी गंगा सागर सुभाष डॉक्टर गौतम की तैयारी पतंगा